दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्नातक प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे दिन रविवार को स्नातक कला, स्नातक विज्ञान तथा स्नातक वाणिज्य में प्रवेश कार्य आयोजित हुआ। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चली प्रवेश प्रक्रिया में कुल 576 अभ्यर्थियों ने आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए संबंधित कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त किया। रविवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित प्रवेश प्रक्रिया के दौरान BSc गणित संवर्ग में 27, BSc बायो संवर्ग में 19, BSc गृह विज्ञान में 7 तथा BCA में कुल 8 अभ्यर्थियों ने प्रवेश प्राप्त किया। वहीं BA में कुल 362 अभ्यर्थियों ने प्रवेश प्राप्त किया, जबकि BCom में 153 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया। आपको बताते चलें कि सोमवार को स्नातक कला तथा स्नातक वाणिज्य में प्रवेश जारी रहेगा। सोमवार की दोपहर 12:30 तक 273 अंक तक का प्रवेश होगा। तत्पश्चात प्रतीक्षा सूची 272.5 से 264 अंक का प्रवेश सीट रिक्त होने पर किया जाएगा। बताते चलें कि संयुक्त स्नातक प्रवेश प्रक्रिया के तहत जिन अभ्यर्थियों ने किसी कारणवश अब तक चॉइस लॉक नहीं किया है, उन्हें एक बार फिर अवसर दिया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 11 जुलाई की दोपहर 12 बजे से 13 जुलाई की मध्य रात्रि तक अपनी पसंद के कॉलेजों के बारे में चॉइस लॉक कर सकते हैं। इसके पश्चात कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। अभिषेक राय, अभिषेक कुमार राय, BCM चेक करना है। क्या नाम है? किसी बात